नमस्कार दोस्तों, कल तक हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू। परीक्षाओं के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों के समीप धारा 144 लागू की गई और कोविड 19 के चलते बरती गई सावधानियां। पलपल सिरसा से विशेष रिपोर्ट। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के सीनियर सेकेंडरी नियमित ओपन रीअपियर और अपियर तथा कंपार्टमेंट अतिरिक्त विषय तथा इम्प्रूवमेंट नियमित व रीअपियर की परीक्षाएं शुरू की गई। परीक्षा केंद्रों में कोरोना के चलते संपूर्ण रूप से सावधानी बरती गई। परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए एक सीट छोड़ करके बैठाया गया। वहीं प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश के दौरान थर्मल स्कैनिंग तथा हाथ भी सैनिटाइज करवाने की व्यवस्था की गई थी। परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों में 200 मीटर के परिधि में धारा 144 लागू की गई। इन आदेशों के तहत परीक्षा केंद्रों में 200 मीटर की परिधि में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकते और न ही कोई किसी व्यक्ति भी अनावश्यक रूप से प्रवेश कर सकता है। परीक्षाओं में नकल रहित संचालन के लिए परीक्षा केंद्रों के पास सुरक्षा बल भी तैनात किया गया। आप देखते हैं पलपल की विशेष रिपोर्ट। सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरपुर, आज पहला जो है 10th का मैथमेटिक्स का बोर्ड का पेपर है, उसके लिए जो है व्यवस्था की गई है। सभी कमरों को जो है प्रॉपर सैनिटाइज किया गया है। सभी कैंडिडेट जो स्टूडेंट एग्जाम देने आ रहे हैं उनकी थर्मल स्कैनिंग करके, हाथों को सैनिटाइज करके जो है, और उनका टेम्परेचर चेक करके ही जो है स्कूल कैंपस में इनको एंट्री दी जा रही है। और कमरों में भी पहले जहां 24 बच्चों की व्यवस्था होती थी, इस बार कोविड 19 रूल्स के तहत, सरकार की गाइडेंस के तहत जो है 18 बच्चों के जो है बैठने की व्यवस्था की गई है, और प्रत्येक दो बच्चों के बीच में जो प्रॉपर गैप रखा गया है ताकि कहीं किसी प्रकार की जो है दिक्कत वगैरह ना हो। पूरी व्यवस्था का हम ध्यान रख रहे हैं। सेंटर में कुल कितने बच्चे दे रहे हैं? टोटल जो है 224 बच्चों की संख्या है जो बच्चे यहाँ एग्जाम देने बैठे, और इसके लिए हमने 13 कमरों की जो है पूरी व्यवस्था की गई है। तीन बजे आगे और आपको पेपर स्टार्ट ही हुआ है, 2 बजे इस पर आना नहीं जिससे करा दिया है। हमने यहाँ 12:30 की ओपनिंग पर रखी है, लेट ना हो बच्चे। देना पड़ेगा।